टाइगर स्टेट के रूप में प्रसिद्ध देश के दिल मध्य प्रदेश को एक और उपलब्धि मिलने जा रही है। हाल ही में श्योपुर जिले के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला चीता अभयारण्य नामित किया गया था और अब इसे विलुप्त हो चुके एशियाटिक चीता के रहवास के लिए भी चुना गया है। ये चीते अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया से लाए जा रहे हैं। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित यह चीता पुनर्वास परियोजना भारत में इको टूरिज्म के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगी। साथ ही हमारा देश बिग कैट की पांचों प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीतों के अस्तित्व वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में इसमें तेंदुए, सियार, चित्तीदार हिरण, सांभर, नीलगाय, चिंकारा और चार सींग वाले मृग हैं। यह सब चीता जैसी बिल्ली प्रजाति के लिए एक आदर्श आधार उपलब्ध कराते हैं। साथ ही यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और वनस्पति भी उनके अनुकूल है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए संभावित क्षेत्रों को लेकर किए गए सर्वेक्षण में भी कूनो को सबसे ज्यादा उपयुक्त पाया गया था। इन चीतों को प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वयं अभयारण्य को सौंपेंगे। उम्मीद है कि ये चीते कूनो अभयारण्य को अपनाकर हमारे देश में विलुप्त हो चुकी अपनी प्रजाति को बनाए रखने में सफल होंगे।